स्वाध्याय कक्षा आठवीं हिंदी जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कल्पना पल्लवन। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। यह बिल्कुल ठीक ही कहा है कि ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे आपका मन तो प्रसन्न हो ही, सामने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाए। मीठी वाणी बोलने से सदैव अपने दिल को एक सुकून मिलता है और अपनी मीठी वाणी का असर सामने वाले पर भी सकारात्मक पड़ता है। मीठे वचन बोलने से हम व्यक्ति से मनचाहा कार्य करा सकते हैं, हम सबको अपना प्रशंसक बना सकते हैं। कटु वचन बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, सब उससे दूर ही भागते हैं, जबकि मीठे वचन बोलने वाले को सब पसंद करते हैं और सब उससे बात करना चाहते हैं। इसलिए हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। विनम्रता अर्थात मीठी वाणी बोलना मनुष्य का सबसे कीमती आभूषण है। सूचना अनुसार कृतियां करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तोलना, अपने आप को टोकना। उत्तर लिखो। कांटे बोने वाले कटु वचन, चुभने वाली बात बेबात, फटने वाले पटाखे की तरह। चुप रहने के चार फायदे लिखो। ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। कविता की अंतिम चार पंक्तियों का अर्थ लिखो। कविता की अंतिम चार पंक्तियां, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ए किसने कहा होंठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अर्थ, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होंठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अर्थ शब्द मधु शहद, कड़वे कटु, विचार ख्याल, आवश्यकता जरूरत। भाषा बिंदु। उपसर्ग या प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। भारतीय इय भारत, आस्थावान वान आस्था, व्यक्तित्व त्व व्यक्ति, स्नेहिल इल स्नेह, बेबात
बे बात, निरादर नीर आदर, प्रत्येक प्रति एक, सुयोग सु योग। उपयोजित लेखन, यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखो। यातायात की समस्याएं एवं उपाय। सामाजिक एवं औद्योगिक विकास के साथ साथ हमने परिवहन के भी अनेक साधन विकसित किए, जिनमें से सड़क यातायात सबसे प्रमुख साधन है। इस महत्वपूर्ण साधन को सुचारू और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए विभिन्न नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि ये नियम सभी नागरिकों की भलाई के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यातायात के नियम पालन करने से यात्रा सुखद और सुरक्षित हो जाती है। यदि हम इनका उल्लंघन करते हैं तो किसी दुर्घटना का शिकार हम स्वयं भी हो सकते हैं और हमारे कारण कोई दूसरा भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन समाचार पत्रों के पृष्ठ ऐसी दुर्घटनाओं की सूचनाओं से भरे रहते हैं जो हृदय को द्रावित कर जाते हैं। ऐसे में सुरक्षित यातायात के विषय में जानना एवं उनके नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। हमेशा बाईं ओर चलें, हेलमेट का प्रयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें, सीट बेल्ट बांधें। किसी भी प्रकार के नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं, वाहन सदैव अपनी पंक्ति में चलाएं, वाहन मोड़ते समय आवश्यक संकेत दें और हॉर्न बजाएं, रुकते समय उपयुक्त संकेत अवश्य दें, वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को न बैठाएं, स्कूल अस्पताल चौराहों आदि के समीप पैदल यात्रियों का ध्यान रखते हुए अपने वाहन की गति धीमी रखें, चकाचौंध करने वाली हेडलाइटों का प्रयोग न करें, हेडलाइट का ऊपरी आधा हिस्सा काले रंग से रंगा होना चाहिए, रात में डिपर का प्रयोग करें। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए गियर वाली गाड़ी प्रतिबंधित है, अतः इससे कम आयु के लोग उनका प्रयोग न करें। यातायात के संकेतों का पालन करें। सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिना इनके हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए। हमें अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सड़क पर पैदल चलते हुए या वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात न करें और ईयरफोन लगाकर गाने आदि न सुनें।